हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं 50 ऑब्जेक्टिव तथा 50 सब्जेक्टिव आपका नॉन हिंदी से, ठीक है। जो आठवां का हिंदी है, अगर आप उर्दू लिए होंगे तो आपका नॉन हिंदी होगा, ठीक है। तो उसी का हम लाए हैं VVI ऑब्जेक्टिव तथा VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, उसके बाद में मैं 49 क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली उर्दू और संस्कृत की वीडियो आपसे ना छूटे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अमीना हमीद की क्या थी, ठीक है। अमीना हमीद की क्या थी? ऑप्शन है दादी, दीदी, नानी और काकी। यही चार ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है। तो सही जवाब को जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि हमीद मेले से क्या लाता है। तो ऑप्शन मिला है पिस्तौल, चिमटा, गुड़िया और मिठाई। दोस्तों, हमीद मेले से चिमटा लाता है। अपनी दादी के रोटी पकाती थी तो उसका दादी का हाथ जल जाता था, इसीलिए वो मेले से चिमटा लाता है। फिर दिया गया कि हामिद के पास कुल कितने पैसे थे। तो दोस्तों, हामिद के पास ना ही 5 पैसे थे, ना ही 10 और ना ही 2, उनके पास 3 पैसे थे। फिर है कर्मवीर की पहचान क्या है। दोस्तों, कायर होना, चंचल होना, भाग भरोसे रहना और साहसी होना। तो कर्मवीर की पहचान होता है साहसी होना। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो दिया गया है, बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है। तो दोस्तों, बाल गोविंद भगत के लेखक राम बिनिक्स बेनीपुरी हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत कार्तिक में क्या गाते थे। तो दोस्तों, बाल गोविंद भगत कार्तिक में प्रभाती गाते थे। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। तो बाल गोविंद भगत की उम्र 60 से ऊपर थी, ठीक है, आपका ऑप्शन ख सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी थी। तो हुंडरू की झरने की ऊंचाई 243 फुट थी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे। तो गांव के लोग सिरचन को दोस्तों बेगार समझते थे, ठीक है, बेगार। काफ़ी VVI प्रश्न है, आपको याद कर लीजिएगा एग्जाम के से जाने से पहले। फिर दिया गया ठेस कहानी के रचनाकार कौन है। तो ठेस कहानी के रचनाकार दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु है। फिर है पीपल किनकी रचना है। तो पीपल है दोस्तों आपका, यहाँ पे दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं और एक नीचा है। तो आपका ऑप्शन है गोपाल सिंह नेपाली। फिर है सिरचन किस कहानी का नायक है। तो दोस्तों, सिरचन ठेस कहानी का नायक है। हो सके तो इसका शायद खेमा आंसर आप देख लीजिएगा। फिर है बाल गोविंद भगत किस प्रकार की रचना है। तो बाल गोविंद भगत एक रेखाचित्र है, ठीक है। यकीन का अर्थ क्या होता है। यकीन का मतलब भरोसा करना, आपका ऑप्शन बी सही है। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया गया है गदगद होना का क्या अर्थ होता है। तो गदगद होना का मतलब होता है कि खुश होना। फिर अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की दुआ के कवि कौन है। तो दोस्तों, बच्चे की दुआ के कवि आपके मोहम्मद इकबाल हैं। फिर है अशोक किस कहानी का नायक है। तो अशोक का शस्त्र त्याग जो कहानी है, पद्मा वाला, पद्मा की राजकुमारी वाला, तो उसी का अशोक कहानी का नायक है। फिर है त्याग का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, त्याग का मतलब छोड़ना, ठीक है, आपका ऑप्शन ग सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि उन्नत का अर्थ क्या होता है। तो उन्नत का मतलब विकसित, ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है भागलपुर का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों, अंग है, भागलपुर का प्राचीन नाम अंग है, आपका ऑप्शन ख सही है। फिर है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मना जोड़ रथ, ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही है। फिर है खुशबू का विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, खुशबू का हो जाएगा बदबू। फिर है कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कानन का मतलब होता है जंगल। फिर है कि पावस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पावस का मतलब होता है वर्षा, ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निराला किस काल के कवि थे। तो निराला दोस्तों भक्ति काल के कवि थे। उसके बाद में यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कि दीनबंधु निराला किस प्रकार की रचना है। तो दीनबंधु निराला एक क्या चीज़ है, आपका निबंध है। फिर है दिन का अर्थ क्या होता है। तो दिन का मतलब होता है दोस्तों गरीब, आप दिन रात वाले ये नहीं है, दिन का मतलब गरीब होता है। कथा सम्राट किसे कहा गया था। दोस्तों, विद्यापति को कथा सम्राट कहा गया है। फिर है बाल मजदूरी की समस्या को किस पाठ में उभारा गया है। तो बाल मजदूरी की समस्या को खेमा पाठ में उभारा गया है। फिर है खेमा किसके होटल में काम करता था। दोस्तों, आपको मालूम होगा अगर कहानी पढ़ेंगे तो खेमा कसारा के होटल में काम करता था। फिर है खुशबू रचते हैं हाथ किन की रचना है। तो ये अरुण कमल की है। फिर है नीलगाय में कौन सा समास है। देखिए, नीलगाय, तो नीला है गाय, ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नीला है गाय, यानी
कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास आपका ऑप्शन ग में सही है। फिर है कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये दोस्तों समस्तीपुर जिला में हुआ था। फिर कर्पूरी ठाकुर के, कर्पूरी ठाकुर दो बार बिहार के क्या चीज़ बन गए थे, तो ये मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर झांसी की रानी किनकी रचना है, तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की, यानी आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली, तो दोस्तों संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू से मिली थी, ठीक है, बापू से, उनके अपने पिताजी से। फिर अब विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, वह होगा दिया गया भागलपुर, पटना, आरा और भागल, यहाँ पे आपका ऑप्शन भागलपुर सही है। फिर झांसी की रानी का क्या नाम है, तो दोस्तों झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई है, आपका ऑप्शन ए सही है। मुमकिन का अर्थ क्या होता है, जो संभव हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन संभव हो जाएगा। फिर है खाक छन्ना मुहावरा का क्या अर्थ होता है, खाक छन्ना का मतलब होता है कि भटकते फिरना या दर दर भटकना, आपका ऑप्शन डी सही है। फिर नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है, तो नाक कटना मुहावरा का अर्थ होता है दोस्तों इज्जत जाना, ठीक है। फिर है आशा का विलोम शब्द क्या होता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आशा का उल्टा शब्द लिखना है, आशा का उल्टा शब्द निराशा हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उपकार में कौन सा उपसर्ग, देखिए उपकार जैसे लिखेंगे तो उप जोड़कार होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन उप दिया गया है, कौमी आपका सही है। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो दीर्घायु का संधि विलोम शब्द हो जाएगा आपका अल्पायु। फिर अगला क्वेश्चन है कि महंगा का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है, महंगा का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा सस्ता। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मोहसिन किस पाठ का पात्र है, तो मोहसिन दोस्तों ईदगाह पाठ का पात्र है, आपका ऑप्शन क सही है। उसके बाद में विवेक का समानार्थी क्या होता है, तो विवेक का समानार्थी मतलब उसे मिलता जुलता शब्द खोजना है, जो आपका समझ है। फिर है मानु किस पाठ की पात्र है, तो ये आपका हो जाएगा खेमा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पद्मा कहाँ की राजकुमारी थी, तो ये विक्रम कलिंग की राजकुमारी थी पद्मा। फिर है कि प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है, तो प्रतिज्ञा के मतलब प्रण लेना, यानी आपका ऑप्शन क सही है। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको एक वहाँ पे निबंध पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो आपको 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 10 मार्क्स के। तो आपको जैसे यहाँ पे दिया गया खेलकूद का महत्व, पुस्तकालय, दहेज प्रथा, भारतीय किसान और विद्यार्थी का जीवन, इसमें आप एक लिख लीजिएगा। फिर दिया गया कि परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपने पिता को एक पत्र लिखिए, आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर दिया गया है कि दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी का लेकर संवाद लिखें। फिर निम्नलिखित को पढ़कर गधांश का उत्तर देना है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ये होता है, गधांश को पढ़कर उत्तर देना। देखिए यहाँ पे एक आपको गधांश दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन क्वेश्चन दिए जाएंगे यहाँ से। देखिए 4 क्वेश्चन है, गधांश पढ़ लीजिएगा, और गधांश में इसका आंसर छुपा रहता है, आप पढ़ के दे सकते हैं। यहाँ पे भी उसी तरीके से दिया गया है, यहाँ पे गधांश दे दिया गया है और कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है, गधांश पढ़ लीजिए, आराम से आंसर इसका दे सकते हैं। यहाँ पे भी आपका वही, अब यहाँ से क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। ईद के दिन अमीना उदास क्यों थी, तो ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी कि सभी बच्चे नए नए कपड़े पहने थे, पैसे लिए थे और मेले जा रहे थे, लेकिन उनके पोते के पास ना ही अच्छे कपड़े थे और ना ही ज़्यादा पैसे थे। फिर कर्मवीर की पहचान क्या है, तो कर्मवीर की पहचान अभी मैं बता दिया हूँ, साहसी होना, दूसरे की मदद करना, ठीक है। गाँव के किसान सिंचाई को क्या समझते थे, तो दोस्तों बेकार समझते थे। एक नंबर यह क्वेश्चन है, वकील साहब क्यों सुखी नहीं थे, ये आप याद कर लीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या के अनोखे वरदान क्यों दिया गया है। फिर संजू कैसी लड़की थी, उसने किस चीज़ का शौक था। फिर है निराला को दीपबंधु क्यों कहा गया है। खेमा कथरा के होटल में क्यों काम करता था। ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। अपने देश में चिकित्सा किसकी पद्धति प्रचलित है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है अभी, तो याद आप। फिर सुदामा की दिनहीन दशा को देखकर श्री कृष्ण ने किस प्रकार भाव बेहवल किया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली उर्दू की वीडियो आपसे ना छूटे। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले VVI प्रश्न के साथ, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।